Hey guys and girls, welcome back to my YouTube channel। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम का रीमेक है ना, वो क्यों ट्रबल के अंदर है, बहुत बड़ी ट्रबल के अंदर। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हे गाइस, दिस इज सैम वॉकर एंड यू आर वॉचिंग बिग बैंग जी। प्रिंस ऑफ पर्सिया, तो यार जब भी प्रिंस ऑफ पर्सिया का आजकल मुझे नाम सुनाई देता है तो बस ऐसा ही लगता है कि गेम कहीं कैंसिल नहीं हो जाए, क्योंकि जो यूबीसॉफ्ट की हरकतें हैं ना, उनको देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये ना गेम कैंसिल होने वाला है। अब ऐसी क्या हरकतें हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये गेम भाई हेवन में चला गया है, मतलब ये कभी लौट के नहीं आने वाला। तो इस वीडियो को पूरी देखना अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हो, क्योंकि यार देखो पूरी नहीं देखोगे ना आप तो क्या पता मैं कुछ बीच में बोल दूँ, कुछ लास्ट में बोल दूँ एंड आप थोड़ा बहुत उसको गलत वे में ले लो। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना। एंड यार अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरा कंटेंट आपको डिजर्विंग लगे तो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक की सबसे बड़ी ट्रबल के बारे में। लेकिन ट्रबल के बारे में बात करें उससे पहले आपको थोड़ा बहुत इसके हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। तो यार देखो, अपने को सबको बताया कि जब से 2020 के अंदर ट्रेलर आया था, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इस गेम को मतलब बहुत ही ज्यादा हेट मिली थी, मतलब उसके ट्रेलर को बहुत ही ज्यादा हेट मिली थी। एंड तब से यूबीसॉफ्ट इसी डर में समाया हुआ है कि कहीं ये गेम फाइनेंशियली मतलब एक तरीके से उनके लिए क्राइसिस नहीं बन जाए, मतलब अगर ये गेम फेल हो गया ना तो उनका पैसा भी चला जाएगा एंड उनको कुछ गेन भी नहीं होने वाला। एंड गेन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यार ये एक सिंगल प्लेयर गेम है एंड इजीली क्रैक हो जाएगा, तो गेन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये मल्टीप्लेयर गेम होता तो वो जरूर से ट्राई कर सकते थे इसको रिलीज करने का, बट ये एक सिंगल प्लेयर स्टोरी गेम है इसलिए वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते एंड इस गेम को बार बार डिले कर रहे हैं। तो देखो यार, अपन मानते हैं कि डिले करना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में हर कोई डिले कर रहा है अपने गेम्स को, बहुत ही जल्दी अनाउंस कर देते हैं लेकिन बाद में बार बार इन गेम्स को डिले करते रहते हैं लोग। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ प्रॉब्लम हुई है ना अभी, वो ये हुई है कि ये गेम ना डीलिस्ट हो गया है। एंड डीलिस्ट से मेरा मतलब ये है कि जितने भी इसके रिटेलर्स थे ना जो इस गेम को बेचने वाले थे, वहाँ से इस गेम को प्री ऑर्डर के लिए हटा दिया गया है, मतलब अब आप इस गेम को प्री ऑर्डर नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो यार ये एक वरिंग सिचुएशन है, क्योंकि यार ऐसा कुछ ही हुआ था जो बियॉन्ड गुड एंड इविल 2 है ना, उसके साथ ही उस गेम को भी बहुत ही पहले अनाउंस कर दिया था यूबीसॉफ्ट ने एंड वो आज तक भी नहीं आया। तो मैंने, अगर आपको याद हो तो एक थोड़े दिन पहले, मतलब 2-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जो प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम है वो अनदर गुड एंड एविल 2 हो सकता है। एंड देखो वैसा कुछ ही होने वाला है क्योंकि इस गेम को भी डीलिस्ट कर दिया गया है, जो कि जो भी प्रिंस ऑफ पर्शिया के फैंस हैं ना उनके लिए बहुत ही वरिंग सिचुएशन है ये, क्योंकि यार वो बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि फाइनली यूबीसॉफ्ट 10-15 साल के बाद कोई प्रिंस ऑफ पर्शिया का 3D गेम बनाया है एंड अब उसको भी वो डीलिस्ट कर चुके हैं, जो कि मतलब बहुत ही खराब न्यूज़ है एक तरीके से मेरे जैसे फैंस के लिए, तो क्योंकि मैं भी बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा हूँ। देखो यार वर्किंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि यार ये जो न्यूज़ आ रही है ना, वो जो मॉन्ट्रियल में शिफ्ट हुआ था ना गेम का डेवलपमेंट, उसके बाद आ रही है। अगर उससे पहले आती तो इतना मतलब ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं होती, क्योंकि उससे पहले तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट जब ऐसी न्यूज़ बाद में आती है ना तो थोड़े अपने मन में ऐसे रहता ही है कि कहीं यार गेम कैंसिल नहीं हो जाए। इसी के साथ साथ यार जो IGN है ना, उनको इंटरव्यू में यूबीसॉफ्ट ने यह भी बताया कि 2023 का जो फिस्कल ईयर होगा तब तक इस गेम को रिलीज करने का कोई भी प्लान नहीं है। एंड यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि यार 2020 के अंदर ये गेम अनाउंस किया गया था एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था ये गेम, एंड तब से इस गेम को ये लोग डिले करते जा रहे हैं। मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस गेम के अंदर इतना ज्यादा काम भी नहीं करना था, फिर भी ये लोग 3 साल लगा चुके हैं एंड इस गेम का अभी भी रिलीज होने का कोई भी सीन नहीं है। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गेम कभी ना कभी तो कैंसिल होने वाला ही है, क्योंकि यूबीसॉफ्ट का मुझे जहाँ तक लगता है ना इस गेम के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। मैं अपने खुद के ओपिनियंस नहीं बता रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। ओपिनियंस तो मेरे अलग ही है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो यार ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गेम डीलिस्टेड हो चुका है एंड IGN में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया है कि 2013 के फिस्कल ईयर तक इस गेम को रिलीज करने का कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये गेम कैंसिल हो गया है, क्योंकि यार ऑफिशियली अभी यूबीसॉफ्ट ने कुछ भी नहीं बोला है इसके बारे में, मतलब कि ये गेम कैंसिल होने वाला है या कैंसिल हो चुका है, मतलब कुछ भी नहीं बोला है। तो इसके तो आप टेंशन मत लो कि ये गेम कैंसिल हो गया है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि ये गेम मतलब अपने को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने वाला था ना, उसकी जगह अपने को 1-2 साल बाद देखने को मिले, क्योंकि यार थोड़ा बहुत इसके अंदर डिले होगा, क्योंकि एक तो यार इसको मॉन्ट्रियल में शिफ्ट कर दिया गया है, जो मॉन्ट्रियल का स्टूडियो है यूबीसॉफ्ट का वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरा इसको डीलिस्टेड कर दिया गया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यार ये गेम 2-3 साल तक तो आने वाला नहीं
नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है या तो ये नेक्स्ट ईयर के एंड में आएगा या फिर उससे अगले साल में आएगा, मतलब 2024 के अंदर आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गेम कैंसिल हो सकता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये गेम कैंसिल नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, या तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा लेट आएगा या ये गेम कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यार जो बियॉन्ड गुड एंड ईविल 2 है ना, उसके साथ भी यूबीसॉफ्ट ने कुछ ऐसा ही कर रखा है। मतलब यार कुछ भी नहीं बोलता वो, क्योंकि यार ये दोनों गेम्स है ना, वो सिंगल प्लेयर गेम्स है एंड तुम्हें भी पता है कि सिंगल प्लेयर से बस एक बार कमाई होती है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है, इसलिए भी क्या पता यूबीसॉफ्ट इन गेम्स को डिले कर रहा हो कि इनको आराम से बनाएंगे एंड अगर अनफॉर्चुनेटली ये गेम फेल भी हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यार आराम से बनाया ना इन गेम्स को, रश तो किया ही नहीं ना, इतना पैसा भी इन्वेस्ट किया ही नहीं ना, अगर इन्वेस्ट करते तो बहुत जल्दी बन जाती है गेम्स। इसीलिए शायद ये गेम्स अपने को एक लंबे टाइम के बाद देखने को मिल सकते हैं। अभी का तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, 2023 तक तो मुझे इन दोनों गेम्स का बिल्कुल भी चांस नहीं लगता, क्योंकि यार जिस टाइप से यूबीसॉफ्ट हरकतें कर रहा है ना, डिले करने की, डीलिस्ट करने की, उनको तो देख के मुझे अच्छे साइन नहीं मिल रहे। खैर देखते हैं क्या कुछ करता है यूबीसॉफ्ट, आफ्टर ऑल उनकी फ्रेंचाइजी है, आ जाए तो खेल लेंगे, नहीं आएंगे तो अपने को क्या है, बहुत सारे गेम्स पड़े हैं अच्छे अच्छे, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल के ऊपर ज़रूर से बता दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।